नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अनुरंजन झा आज आप लोगों को कुछ पुरानी कहानियां सुनाता हूं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, अदालती कार्रवाई जारी है। आगे क्या होगा आपको भारतिका पर अपडेट्स मिलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुना रहा हूं जो शायद आपने सुने भी हो और शायद नहीं भी सुने हो, क्योंकि ये बात अंदर की है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई देर रात, उसके बाद विपक्ष की यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितनी पार्टियां खड़ी हैं तथा कथित इंडिया गठबंधन की तरफ से, उनमें से ज्यादातर पार्टियों ने एक एक कर उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बयान देकर और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े होने का एक पूरा ड्रामा रचा। इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं या ज्यादातर वो पार्टियां हैं जिनके खिलाफ ही राजनीति कर अरविंद केजरीवाल यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं आपको कुछ वैसी कहानियां सुना रहा हूं जिससे आपको यह मालूम होगा कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। देखिए, कल के बयानों के बाद अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। राहुल गांधी का भी वही स्टैंड था, संदीप दीक्षित का भी वही स्टैंड था। तो पहले हम इन्हीं लोगों पर बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने 2010 और 11 में पूरा पोथा बंडल, एक कागजों का पुलिंदा लेकर वो गली गली यानी कि हर टेलीविजन चैनल के दफ्तर घूमते थे और उसमें से कुछ पोथे वो मेरे पास भी लेकर आए थे और मुझे दिखाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या कागजात उनके पास हैं, जमीनों के हेरफेर के कागजात। और इतना ही नहीं, अरविंद का यह कहना था कि जो आज की तारीख में येरो सिटी है उसमें भी बहुत सारी जमीनें एक तरीके से सरकार ने अवैध रूप से रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी है, जिसके कागजात तथा कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल लेकर मेरे पास आए थे। अब उन कागजातों का स्वरूप क्या है और वो कागजात कहाँ हैं और उस कागजातों के बाद की कहानी क्या हुई, ये 2013 से हम देख रहे हैं। 13 में जब वो सत्ता के बिल्कुल करीब पहुंचने की कोशिश में रुक गए थे तो उनको सत्ता में 40-45 दिनों के लिए जो बिठाया था वो कांग्रेस पार्टी ही थी, क्योंकि उन्होंने ही उनका समर्थन किया था। जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और पार्टी के गठन के बाद जब वो राजनीति में कूदे, क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि हम पार्टी और राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जन लोकपाल के जरिए देश को स्वच्छ करने आए हैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग उनकी इस बातों में शुरू में आकर अपने एक पूरे भले पूरे करियर को छोड़कर उस करियर को अपनाने के लिए चले गए जिसका कोई भविष्य नहीं था। खैर, उस पर मैं कभी बाद में आऊंगा। लेकिन शीला दीक्षित, जो 15 सालों से दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और दिल्ली में विकास के काम में अगर कहा जाए तो पिछले 50 सालों में वो 15 साल बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्षी विरोधी चाहे जो भी बातें करें, उन पर आरोप चाहे जो भी लगे, 2010 के कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोप लगे और तमाम ऐसे आरोपों के बावजूद अगर मैं अपना अनुभव पिछले 30-32 सालों का अगर दिल्ली का बताऊं तो वो 15 साल शीला दीक्षित के विकास के नाम जरूर जाता है। अब उस शीला दीक्षित के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा, जीते, मुख्यमंत्री बने, ये सारी कहानी आपको मालूम है। लेकिन उन्हीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इनके एक जमाने में सबसे बड़े सिपहसालार थे जब ये आंदोलन कर रहे थे और दोस्ती इस कदर रही कि शीला जी की कुर्सी चली गई, शीला जी सत्ता से बेदखल हो गई। बाद में वो लोकसभा का चुनाव लड़ी और मनोज तिवारी से वो चुनाव भी हार गई, बीच में वो गवर्नर भी रही, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन संदीप दीक्षित अपनी वो कटसी उनके साथ नहीं भूलते हैं। अंदर की क्या बात है ये जानना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो ये सारे राजनेताओं के बेटे या जो सेकंड जनरेशन के पॉलिटिशियन से वो चलाते हैं, उसमें से बहुत सारी आईटी सेक्टर्स की कंपनियों को अलग अलग तरीके से ठेके देने का काम सरकार करती है। और सरकार अरविंद केजरीवाल की हो या भारतीय जनता पार्टी की आ जाए, कुछ ऐसे ठेकेदार जो राजनीतिक महकमे के होते हैं उनको काम मिलता रहता है। उसी में ये एक व्यक्ति हैं, उसी में एक राजनेता ऐसे हैं संदीप दीक्षित, जिनको
अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी उनकी कंपनियों को काम लगातार मिलता रहा है। जाहिर सी बात है कि इस पर उनकी बात करना, उनकी तारीफ करना जरूरी है। जिस कांग्रेस की 15 साल की सरकार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बाहर कर दिया और एक तरीके से निकट भविष्य में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आती हुई या कांग्रेस की सत्ता आती हुई नहीं दिखती है, उसके बावजूद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का सिर्फ इसलिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना क्योंकि उस समर्थन के बहाने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध होगा, ये एक अद्भुत राजनीति है। तो इस राजनीति के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ जो चीजें हो रही हैं वो दरअसल आज से कम 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये शराब घोटाला बाद में आया और इसमें फंसते हुए वो दिख रहे हैं, इसमें उनकी गलतियां सामने आ रही हैं, इसलिए उन पर ये शिकंजा कस रहा है। लेकिन ये व्यक्ति आदतन नहीं, एक तरीके से मजबूर भ्रष्ट है, यानी वो जानता है कि ये काम भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और उसकी परिभाषा उसको बेहतर तरीके से मालूम है, बावजूद इसके वो भ्रष्ट आचरण में ही बिलीव करता है। और ये भ्रष्टाचार का ही कारण होगा कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलेंगी और देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 10 सालों के इतिहास में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है, 2 राज्यों में उसकी सरकार है और उसके बावजूद 1.5 दर्जन से ज्यादा उसके विधायक और मंत्री जेल की सलाखों की हवा खा चुके हैं। अभी भी 3 पहले से जेल में बैठे हैं और ये भी सज्जन पहुंच गए हैं, तो और भी छोटी छोटी कहानियां होंगी। अब मैं अगली कहानी में ये बताऊंगा, ये तो कांग्रेस की कहानी थी कि जिस कांग्रेस के साथ अरविंद ने ऐसा किया वो कांग्रेस इनके साथ क्यों खड़ी है। अगली कहानी में मैं बीजेपी का भी जिक्र करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी भी अगर आज अरविंद का विरोध कर रही है तो पहले उसने अरविंद का साथ क्यों दिया था। नमस्कार।